धौलपुर का रुख फिलहाल करेंगे, जहां स्थिति की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुनेश धाकरे। जी मुनेश, वहां के हालात क्या हैं? मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बता दें। आपको बताना चाहूंगा, कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से घर घर सर्वे किया जा रहा है। राज्य सरकार के आदेश पर 16 मार्च से अब तक विगत एक सप्ताह में जिले में 99,020 घरों का सर्वे कर 3,70,370 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। वहीं जिले में विदेशों से आए 63 लोगों को चिन्हित कर होम क्वारंटाइन किया हुआ है। जिले में घर घर सर्वे के लिए 316 टीम लगाई हुई है। इनमें एक ANM के अलावा संबंधित क्षेत्र की आशा सहयोगिनी शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम भी इस कार्य में लगी हुई है, जिससे हर घर की स्थिति का पता लगा सके। हालांकि जिले में कोई भी कोरोना का संदिग्ध केस सामने नहीं आया है, फिर भी जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग सतर्कता बनाए हुए है। कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देश पर जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन, नगर पालिका, पंचायत समिति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सालय में नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है और जिले की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा को पूरी तरह से सील कर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।